अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को फिर दिया मुंहतोड़ जवाब। 9 दिसंबर को हुई झड़प में चीन के कई सैनिक हुए घायल। सेना ने कई चीनी सैनिकों को खदेड़ा। त्वांग झड़प मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एनएसी और सेना प्रमुख के साथ बैठक। संसद में दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री। संसद पर हमले की 21वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि। संसद परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शहीदों को किया नमन। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल पीएम मोदी। जारी करेंगे सिक्का और डाक टिकट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम के खिलाफ विवादास्पद बयान देने पर कार्रवाई, कल दर्ज हुआ था केस। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया ब्लास्ट। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी साजिश। काशी विश्वनाथ धाम में बना चढ़ावे का रिकॉर्ड। पहले ही साल चढ़ा 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा। साल भर में करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे विश्वनाथ धाम। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने और तेज किए हमले। रूस के कई सैनिक और टैंक ठिकानों को किया तबाह। कल मेलिटोपोल भी यूक्रेन ने किया बड़ा था हमला। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़। न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।